लापता को खोजने वाले को इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, जब से हेमंत सोरेन गायब है तब से ये तमाम खबरें सामने आ रही। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, महुआ खबर देख रहे हैं। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन लापता है, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ी घोषणा कर दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि लापता सोरेन को जो खोजेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब इनाम क्या दिया जाएगा ये भी आपको बताएंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वहीं आपको विस्तार से ये बता देते हैं कि ये लापता का सिलसिला इनाम तक कैसे पहुंच गया, कैसे लापता हुए हेमंत सोरेन और किसने इनाम रखा और इनाम क्यों रखा गया। आपको बता दें, दरअसल दसवां समन मिलते ही हेमंत सोरेन घबरा जाते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आती है। उसके बाद रातों रात चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंच जाते हैं अपने वकीलों से मिलने और वार्तालाप करने और इस विषय पर विशेष चर्चा करने कि ईडी का दसवां समन आया है, यह भी सूत्रों के हवाले खबर आती है। अभी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई। वहीं उसके बाद अचानक कल झारखंड भवन स्थित आवास पर ईडी आ धमकती है, जहां हेमंत सोरेन नहीं पाए जाते हैं। खबर यह आती है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बताया यह जाता है बाद में कि हेमंत सोरेन तो वहां थे ही नहीं, ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन ईडी के हाथ लगा है कुछ तो उनकी बीएमडब्ल्यू कार, जो ईडी लेकर चली जाती है। सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि बीएमडब्ल्यू कार में ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कि मामले से जुड़े हुए। वहीं ईडी उनकी बीएमडब्ल्यू कार लेकर निकल जाती है। फिर कुछ देर के बाद यह खबर आती है कि ईडी के कुछ लोग दोबारा से आए, लेकिन हेमंत सोरेन लापता है। हेमंत सोरेन को खोजने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। सिर्फ झारखंड की जनता और ईडी ही नहीं तलाश कर रही है हेमंत सोरेन की। वहीं आपको बता देते हैं, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने भी कहा है कि हमें हेमंत का इंतजार है। आपको बता दें, राज्यपाल जब मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचते हैं, वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की तलाश उन्हें भी है, आज नहीं तो कल ईडी के सामने उन्हें पेश होना ही है। और जीएमएम कार्यकर्ता जो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यपाल को ये लगता है कि ये चीजें उनके राज्य की कानून व्यवस्था को खराब दिखाती है और राज्य पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा घोषणा कर दिया है। बड़ी खबर ये सामने आई है कि बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जो खोज कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा 11,000 रुपए। अब आप देखिएगा, कहीं आपको हेमंत सोरेन मिल जाए तो बाबूलाल मरांडी के पास आप जा सकते हैं, आपको इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह थी कि हेमंत सोरेन एक तरफ लापता होते हैं, उनको खोजने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, ईडी परेशान, जनता परेशान, राज्यपाल तक ने कहा कि उन्हें हेमंत सोरेन का इंतजार है, और बाबूलाल मरांडी ने तो बड़ी घोषणा कर दी, कह दिया कि 11,000 रुपए का इनाम है जो हेमंत सोरेन को खोज कर लाएगा। चलिए, पल पल की अपडेट्स आपको इस पर देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें महुआ खबर। और अगर आपने महुआ खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की सियासत पर महुआ खबर की नजर लगातार बनी हुई है।